नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण मोदी आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे एक और नए एपिसोड में। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी की, कि कैसे वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनी, किस तरह से वो फॉर्म हुई, कौन कौन से फैक्टर्स थे उसके फॉर्मेशन के पीछे, और किस तरह से वो आज एक नेशनल पार्टी की तरह उभर कर आई है उसके बारे में। तो आइए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। कांग्रेस पार्टी को फॉर्म करने के पीछे कई सारे फैक्टर्स शामिल थे। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि नेशनलिज्म, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को एक यूनाइटेड होकर उसे पूरे नेशनल लेवल पे फॉलो करते हैं, और साथ साथ इसमें नेशनल इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करना पड़ता है, और कोई भी आउटसाइड इंटरफियरेंस इसके अंदर शामिल ना हो उसका भी हमें अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। फिर इसमें सेकंड फैक्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 का भी आता है, जिसके अंदर मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे ये सब लोगों ने ब्रिटिशर्स के साथ एक वॉर शुरू कर दी गई थी, जिससे हमें ब्रिटिशर्स का जो एक्सप्लोइटेशन वाला जो कैरेक्टर था वो हमें उभर नज़र आ रहा था। और उसमें भी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो शुरू हुआ था, फ्रेंच के जो पीपल्स थे वो लोगों ने ब्रिटिशर्स के साथ एक मास इंडिपेंडेंस मूवमेंट को शुरुआत की थी, जिसके बाद फ्रांस को फ्रीडम मिल चुकी थी, इसलिए इंडिया को भी फ्रीडम लेने के लिए ऐसा रिवोल्ट ऑफ 1857 शुरू करना पड़ा। और उसमें थर्ड फैक्टर ये आता है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस और वेस्टर्न एजुकेशन को ये लोगों ने पूरे इंडिया लेवल पर फॉलो करना शुरू कर दिया था। और इसमें कम्युनिकेशन का फैक्टर हम ऐड कर लेते हैं, जिसके थ्रू जो रेलवेज को और टेलीफोन को, साथ ही साथ टेलीग्राफ को भी ये लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसके थ्रू कम्युनिकेशन भी बढ़ चुका था और फ्रीडम टू प्रेस भी दिया गया था। इन सारे फैक्टर्स के बावजूद भी जो इंडिया को इंडिपेंडेंस के जो लेना था ब्रिटिशर से, इसके कारण ही जो कांग्रेस पार्टी है वो फॉर्म हुई थी। और इसके बाद सारे पॉलिटिकल लीडर्स एक साथ होने लग गए और कई सारे एसोसिएशन फॉर्म करने लग गए, कि जो कि अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन ये जितने भी एसोसिएशंस फॉर्म किए गए थे वो कभी भी एक नेशनल पार्टी की तरह फॉर्म नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो लोग जो रीजनल प्रॉब्लम्स थे, जो कि गाँव के जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ही लग गए थे, इसलिए वो लोग एक नेशनल लेवल पर कॉन्सनट्रेट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो एक एसोसिएशन था जिसका नाम है इंडियन नेशनल एसोसिएशन INA, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसके जो फाउंडर्स थे AM बोस और SN चटर्जी, ये लोगों ने एक नेशनल पार्टी को फॉर्म करने की सोची थी। और इसके साथ और दूसरा ट्विस्ट ये भी आता है कि जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, जिसको हम AO ह्यूम करके भी जानते हैं, वो एक ब्रिटिश के रिटायर्ड ऑफिसर थे, लेकिन वो इंडियन से कई साल ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, इसलिए उन्होंने एक 72 पॉलिटिकल लीडर्स की एक मीटिंग बुलाई थी। इसमें उन्होंने ये AM बोस और SN चटर्जी को भी इंक्लूड किया था। और उसी के टाइम पे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था, उन लोगों ने तीन सबसे बड़े जो बिल्स थे उसका मैं अभी नाम लूँगा, जैसे कि वर्नेक्युलर एक्ट, आर्म्स एक्ट और इल्बर्ट एक्ट। ये एक ऐसे एक्ट थे कि जो कि इंडिया को बहुत ही हार्म करने वाले थे, जिसके बाद जो एक नेशनल पार्टी फॉर्म करने की जो सोच थी वो और भी ज़्यादा वाइड स्प्रेड होकर फैलने लग गई पूरे नेशनल लेवल पे। और उसके बाद तो होना ही क्या था, जो भी 70 जो डेलीगेट्स थे वो लोगों ने एक मीटिंग बुलाई और जो नेशनल पार्टी फॉर्म करने का एक बिल वो लोगों ने अंदर ही अंदर पास कर दिया। और बिल को पास करने के बाद जो दादा भाई नवरोजी थे वो लोगों ने एक सजेशन दिया कि जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन है उसको नाम चेंज करके वो लोग ने इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम रख दिया। और पार्टी फॉर्म होने के बाद इसके नेशनल प्रेसिडेंट भी बनाए गए, और उसके साथ साथ कई सारी एनुअली और मंथली मीटिंग्स भी बुलाई गई अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के, और साथ साथ ये लोगों ने रीजनल प्रॉब्लम्स को भी अच्छे से इम्पोर्टेंस दिया गया था। और ये उसके साथ साथ इंडिया की सबसे पहली सेक्युलर पार्टी बन गई थी, कि जिसके अंदर सारी के सारी कम्युनिटी के जो लीडर्स थे उसको शामिल किया गया था, ताकि किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो सके। लेकिन इस पार्टी के फॉर्म होने के साथ साथ ही सबके मन में क्वेश्चन आ रहा था कि क्यों इस पार्टी को एक ब्रिटिश ऑफिसर ने ही फॉर्म किया, इसके अंदर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का कौन सा रोल था, क्यों उसी ने ये पार्टी को फॉर्म किया, ये क्वेश्चन सबके उस वक्त मन में चल रहा था। इसलिए इस पूरे क्वेश्चन को मैं आंसर दूंगा आपको अगले वीडियो में। इसके पीछे ब्रिटिशर्स को बड़ा बेनिफिट भी होने वाला था, उसकी बात भी मैं आगे वाले आने वाले वीडियो में करने वाला हूँ।
तो तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक अच्छा सा आइडिया आ चुका होगा कि कांग्रेस पार्टी किस तरह फॉर्म की गई थी। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चल सके। और हाँ दोस्तों, आखिर में इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपका जो प्यार है वो हम तक पहुंच सके। तो बस दोस्तों, धन्यवाद।